हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बंगाल में हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले को लेकर बंगाल प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बंगाल चुनाव के बाद जिस ढंग से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया है, उनको मारा है, पीटा है, जहाँ तक कुछ कार्यकर्ताओं का कत्ल भी किया है, कार्यकर्ताओं की दुकानों को लूटा भी है, सरकार बनते ही अगर ऐसी कानून व्यवस्था ममता जी देना चाहती हैं तो लोगों का डेमोक्रेसी से जो फेथ है, विश्वास है, हर प्रदेश में देश में चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, लेकिन अगर सत्ता में आने वाली पार्टी विरोधी पार्टी का ऐसा हशर करेगी तो डेमोक्रेसी जो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके हमने प्राप्त की है, जो वोट की बात हम करते हैं कि वोट जो है बैलेट जो है वो बुलेट से ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी डेफिनेशन ही बदल जाएगी। तो ममता जी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो कुछ किया है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वोटर जब वोट डालता है तो वो सरकार बनाने के लिए डालता है, वोटर अपनी पार्टी के लिए काम भी करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि विरोधी कार्यकर्ताओं को हम लोग कत्ल कर दें, मार दें, मारपीट करें, उनके ऊपर झूठे केस डालें। सो इस घटना को सारा देश बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता है और लगता है कि जिस ढंग से ममता जी सत्ता में वापस आए हैं ये दिन उनके गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं से काम करवाए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।